सकते हैं कि ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको नजर आएंगे और ट्रैक्टरों के ऊपर लगे तिरंगे। आज तिरंगा यात्रा करनाल के गोरंडा के विधानसभा से निकली है और हरविंदर कल्याण की ओर से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सैकड़ों की संख्या में दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको तिरंगे और ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। हमारी आप सभी से अपील, खबर को शेयर अवश्य करें। तो लाइव तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं, गोरंडा के विधायक हरविंदर कल्याण की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और 70वां अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश। पूरा देश में इस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है 13 से 15 अगस्त तक, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा देश। उन शहीदों को याद करेगा जिनकी वजह से हमारे देश को आजादी मिली है। देश में हर जगह पर तिरंगा लहराया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आपको करनाल से दिखा रहे हैं, करनाल के गोरंडा के विधायक हरविंदर कल्याण की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और देख सकते हैं हर कोई अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है जिनकी वजह से हमें जो अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। वो अंग्रेज जिनकी गुलामी से हमारे देश को आजादी मिली थी। अमृत महोत्सव के अमृत काल में फिलहाल देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली जा रही है। पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है और एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर घर के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, हर व्हीकल के ऊपर तिरंगा लहराया जा रहा है और लाइव तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है भारत देश हमारा, और देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों पर करनाल के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप सभी से अपील, खबर को शेयर अवश्य करें। कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर है किसानों के और ट्रैक्टरों के ऊपर तिरंगा है और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। गोरंडा विधानसभा में भी आज हमने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है जो कि गोरंडा अनाज मंडी से रेलवे रोड से होते हुए पक्के पुल पर इसका समापन किया जाएगा। मैं सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों का और सभी कार्यकर्ता साथियों का, समाज के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि सभी ने इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और मैं खास तौर पर यह कहना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस है, ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है। हम सबके अंदर राष्ट्रीयता का भाव बढ़े, हमारे अंदर देश प्रेम जागे, यही हमारे शीर्ष नेतृत्व की भी सोच है, यही मोदी जी की सोच है, यही हमारे महापुरुषों की भी सोच रही है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आजाद कराया है। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का न्योछावर किया, अपना पूरा जीवन उसके अंदर अर्पण किया। तो यही भाव हमारी युवा पीढ़ी में और हमारे बच्चों के अंदर भी यही देश प्रेम का भाव आए, यही मैं सभी को कहना चाहूंगा। हरविंदर जी, एक बात देखी जाती है अक्सर जब तिरंगा यात्रा निकाली जाती है 15 अगस्त को 26 जनवरी को, उसके बाद तिरंगे सड़कों पर मिलते हैं, उसके लिए लोगों को क्या अपील करेंगे?
पहले ही अपील की है सभी साथियों से कि जैसी तिरंगा यात्रा का समापन होगा सभी तिरंगे झंडों को संभाल कर अपने घर लेकर जाएं और वहां पर जाकर छतों के ऊपर लगाएं, क्योंकि अभी हमारा हर घर तिरंगा अभियान भी चला हुआ है। हर तिरंगा यही हमारी शान है, यही हमारा हमारे देश का एक गौरव का प्रतीक है। सब घरों पर ये तिरंगा लगेगा और बड़े आदर भाव के साथ सब इसको लेकर जाएं। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पहुंचे हैं आज। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लिया है। तो देख सकते हैं गोंडा विधायक हरविंदर कल्याण हमारे साथ मौजूद थे और देख सकते हैं तिरंगा यात्रा आज निकाली जा रही है। ट्रैक्टरों पर सवार होकर लोग तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस देश मनाएगा और हमारी भी आप सभी से अपील रहेगी कि जब आप अपने घरों की छत पर या फिर अपनी बाइकों पर तिरंगा लगाए तो उसके बाद उस तिरंगे को संभाल कर रखे, अपने घर की छत पर लगाए उसके बाद उसको संभाल कर रखे, अपने व्हीकल पर लगाने के बाद उसे संभाल कर रखे। और स्वतंत्रता सेनानियों को आज याद किया जा रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।